मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना वैक्सीन नहीं मिलने से हाहाकार मचने लगा है। लोग सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। वहीं रेमडेसिविर वैक्सीनेशन की कालाबाजारी भी शहर में जमकर हो रही है। कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करने वाले डीलरों ने भी फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान चाहे लाख दावे कर ले कि कोरोना की लड़ाई में सरकार आम जनता के साथ है, लेकिन प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जमकर बरस रहा है। बीते दिनों के आंकड़ों के मुताबिक 866 के इंदौर शहर में नए सामने आए। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े दवा बाजार में कोरोना की वैक्सीन की शॉर्टेज होने लगी है और वैक्सीन डीलर अनुरक्षक ने मीडिया को बताया कि फिलहाल वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, स्टॉक होने पर आने वाले समय में वैक्सीन की पूर्ति की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दवा बाजार की दुकानों पर दर दर भटक रहे ग्राहक रविंद्र कुरवाड़े के मुताबिक उनका मरीज अरविंदो अस्पताल में भर्ती है और कोरोना की वैक्सीन नहीं होने के कारण उनके मरीज पर खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह बेटमा के रहने वाले ओम प्रकाश कुशवाहा के मुताबिक क्लॉथ मार्केट अस्पताल में उनके मरीज को वैक्सीन की सख्त आवश्यकता है, किंतु वैक्सीन नहीं होने के उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मीडिया के सामने एक महिला ने भी अपनी परेशानी जाहिर की, सरकार से आग्रह किया है कि वह वैक्सीनेशन और कोरोना संबंधित दवाइयां उपलब्ध करवाए। इस सब के बीच में दलाल तबके के लोग 900 रुपये कीमत की रेमडेसिविर वैक्सीनेशन 6000 रुपए में ब्लैक के उपलब्ध करवा रहे हैं, जहां पर इसी कारण इंदौर के दवा बाजार सहित विभिन्न अस्पतालों के मेडिकल स्टोर के सामने परेशान लोगों का हाल बहुत ही बुरा है, आमतौर पर देखा जा रहा है। यदि ऐसी स्थिति रही तो इंदौर शहर पर भी भारी संकट आ सकता है। अब देखना यह होगा कि कोरोना वैक्सीनेशन और अन्य दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। डॉक्टर ने जो रेमडेसिविर नाम से ट्रीटमेंट जो दिया गया, इंजेक्शन जो दिया गया है, मुझे चीज़ बताइए, इंजेक्शन अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो पेशेंट किस प्रकार से ठीक होगा, किस प्रकार से अपने आप को केयरफुली कर पाएगा? अगर आप बोलते कि कोरोना है तो कोरोना है कहाँ, चीज़ तो बताओ। वो चीज़ है नहीं है तो इसका इंजेक्शन का इलाज नहीं हो रहा है तो कैसे पेशेंट ठीक हो पाएगा? मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अरविंदो में गया था, अरविंदो में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद वहाँ पे पेशेंटों का इलाज चल रहा है, कैंप पे लग रहे हैं, वहाँ के पेशेंटों को इंजेक्शन लग रहा है, बाहर का पेशेंट अगर कोई लेने इंजेक्शन जा रहा है, इसका रिलेटिव पेशेंट जो भी रहता है वो, तो उनको बोल दिया जाता है कि भाई यहाँ पे अपना इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रहा है? या तो उनको लग नहीं रहा है, या तो उनको इंजेक्शन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो यहाँ तो अभी तक तो आकर मत जाना चाहिए, वो तो जाना चाहिए वहाँ पे, तो पर नहीं हो रहा है। मैं गया सुबह भी वहाँ पे, तो बोला नहीं सर शाम तक आना, शाम तक भी बोला नहीं, अभी इतने दूर से आप अभी मत आना, फोन लगा करके आना। उन्होंने भी हमको टरका दिया है, CHL अपोलो, राष्ट्रीय अपोलो, DNS, यहाँ तक कि क्वालिटी ड्रग हाउस, अपना शांति इंटरप्राइजेस, PP इंटरप्राइजेस, सब जगह पे घूम लिया कल सुबह से शाम तक, घूम रहा भूखा प्यासा, इंजेक्शन अवेलेबल होने का नाम नहीं है। दूसरी बात ये, जिस स्टोर पर चले जाओ पेपर देखने से पहले ही मना करते थे, बोले नहीं है भैया इंजेक्शन ही नहीं, क्यों आपने पहले से पढ़ लिया, आपको पता है कि किस इंजेक्शन के लिए हम लोग आ रहे हैं? इस प्रकार की कालाबाजारी चल रही है और आप बोल रहे हो इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन ये लोग छुपा के बैठे हुए और बात करते हैं, बोले इंजेक्शन ही नहीं आया, जबकि अभी इनसे बोला जाएगा ना हम लोग कि सर गरीब है, इमरजेंसी हो गई, हमको 15,000-20,000 का दे दो तो अभी दे देंगे, एक घंटे बाद है ना पैसे जमा करो, पैसे जमा करने के बाद में भी इंजेक्शन आए तो आए, नहीं आए तो नहीं, इसी बात अब इसमें जवाबदारी कौन रहेगा? दवा बाजार में तो है ही ना, दवा बाजार जैसी जगह पर होकर का इंजेक्शन नहीं होगा तो मुझे बताएं आप किस जगह पर इंजेक्शन होगा? सवाल सीधा सा सवाल यहाँ आ रहा है, क्या अगर इंजेक्शन पूरा मार्केट का दवा जितनी भी दवा बाजार में नहीं होगी तो कहाँ होगी? आप बताओ कोई ऐसी और जगह है जहाँ मिलेगी आपको ये सब चीज़ें? नहीं मिलेगी। मैं तो प्रशासन से एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर दवा बाजार को जिस टाइप से बना गया है उस टाइप से उसको घोषित किया गया है तो उस जगह पर अगर ये ट्रीटमेंट अगर ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो इस जगह के जगह का नाम का होने का मतलब क्या है? आज इस जगह का इतना नाम चलता है क्वालिटी ड्रग हाउस, इस जगह पर हम कल से परेशान हो रहे, सुबह शाम तक हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे। सर मेरा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराया जाए, मेडिकल्स पे अवेलेबल कराया जाए, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल कराया जाए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि बीमारियां तो पहले से आती रही हैं, आज भी आ रही हैं, पहले टाइफाइड था, चिकनगुनिया था, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास जाता था, MBBS के पास या MD के पास, तो वो पेशेंट की स्थिति को देख करके जो है ट्रीटमेंट लिखते थे कि आपको ये इंजेक्शन लाना है, ये दवाई लाना है, और
फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता था। लेकिन आज इन दवाइयों पर, इंजेक्शनों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया हुआ है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट होने पर ही व्यक्ति को दिया जाएगा। तो जब हॉस्पिटल में व्यक्ति को एडमिट किया जाता है तो वो जो उसका खर्चा है वो जनरली व्यक्ति उठा नहीं पाता है। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट के अंदर जाने के बाद में ये स्थिति रहती है कि बहुत ज़्यादा तेज बुखार है या सिर दर्द है, तो सामान्य सिर दर्द और बुखार में भी व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। तो ये तो कोरोना है तो इससे लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस करता है। ऐसी स्थिति में वो अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और उस समय में उसको कोई वहाँ पर देखने वाला नहीं होता है, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि ड्यूटी टू ड्यूटी डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं वहाँ पर, उनके हिसाब से काम चलता है। और दूसरी बात यह है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना पेशेंट के साथ में डॉक्टर्स 24 घंटे लगे हुए हैं, वार्ड बॉय लगे हुए हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, तो जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको क्यों नहीं उनसे मिलने दिया जाता है, चाहे पीपीटी किट पहनकर जाने दिया जाए या फिर किसी कवर अप के अंदर से पेशेंट को थोड़ी देर के लिए बाहर उनसे मिलने के लिए परमिशन दिया जाए। खर्चे की बात अगर हम करें सर, तो ट्रीटमेंट की हालत के हिसाब से खर्चा आ रहा है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें बाहर के कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं, वो उनका रेट घटते बढ़ते रहता है, कभी 900, कभी 1400, कभी 2000, तो वो कम से कम 6 इंजेक्शन लगते हैं, तो 2000 के भी लगते हैं, तो 12000 के समथिंग 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन अगर ये इंजेक्शन हॉस्पिटल में एडमिट ना होते हुए किसी डॉक्टर के पास, अगर सबको डॉक्टरों को निर्देश दिया जाए कि आपको हर पॉजिटिव का इलाज करना है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और वो देख करके उसकी स्थिति को इंजेक्शन लिख दें, ये दवाई ले आइए, ये इंजेक्शन ले आइए और आपको इतने इंजेक्शन लगना है, तो भय पूरी तरह से मिट जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट होने का भी भय मिट जाएगा। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो मेंटली स्ट्रेस व्यक्ति के ऊपर आता है कि उसे अपना कोई दिखाई नहीं देता है या उसको कोई संभालने वाला नहीं रहता है, इस वजह से जो उसकी हालात बिगड़ रही है, तो वो मेरे ख्याल से शायद सुधार आए उसमें। तो मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन पेशेंट से हूँ, मेरी मम्मी भर्ती है क्लास मार्केट हॉस्पिटल में और उनका इलाज चल रहा पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कल भी यहाँ आए थे, लाइन में लगे, इंजेक्शन नहीं मिला। इन्होंने आश्वासन दिया कि कल आना 11 बजे आपको इंजेक्शन मिलेगा, आज भी नहीं मिल रहा, आज बोल रहे हैं शाम को 6 बजे आना। जिला प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री से बोलो, ये इंजेक्शन की व्यवस्था पूरे इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। इंजेक्शन के लिए 900 रुपये का इंजेक्शन 6000 में ब्लैक में हमारे पास वाले भैया लाए, मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता और मान लो पैसा लगाऊं भी तो कहाँ से जाऊं, ब्लैक लेने जाऊं कहाँ, कोई लोग मिलता नहीं है। ब्लैक बाजार तो गांजा भांग जैसा 2 नंबर का धंधा है, अपन तो कोई ड्रग माफिया को जानते नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं पैसे, दूं भी तो लाऊं कहाँ से। मैं चाहूँ कि 6000 में मैं भी लूँ तो मिल नहीं रहा है ना। तो अब सर आप प्रशासन से निवेदन इतना ही है कि ये ब्लैक बाजार ख़त्म करो। आप इंदौर जिलों के कलेक्टर महोदय हैं, आप मुख्यमंत्री जी से बात करो, मुख्यमंत्री जी को बोलो कि प्रधानमंत्री जी से बात करो और कुछ करो। आत्मनिर्भर देश बना रहे हो या वैक्सीन कर दी ना, वैक्सीन लगाने वाले कोई कोरोना हो गया? मेरे पास में जो मतलब पेशेंट है उनने कोरोना इंजेक्शन लगाया और 2 दिन बाद उनको कोरोना हुआ है और वो आज पैसे लगा रहे हैं। आज कल से आज तक उनके 80000 रुपये लग चुके हैं, उसके बाद भी वैक्सीन का ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उनकी तो अधूरी अभी इलाज अधूरा है ना उनका, तो वैक्सीन आज दूसरा डोज लगना था, हम इंजेक्शन के लिए आए। मेडिकल वाले आश्वासन दे रहे हैं, कल बोला था 11 बजे आज मिलेगा, आज बोल रहे हैं कि कल आज शाम को 6 बजे बाद दूंगा। तो सर ये दवाई का काम दवाई करती है, इंजेक्शन लगेगा तो असर करेगा ना, 6 बजे ने, 9 बजे ने, 11 बजे ने, ये टाइम। चूँकि कंपनी में स्टॉक की पोजीशन नहीं है, कंपनी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, उसके बाद भी चूँकि इतना स्टॉक आ नहीं पा रहा है। प्रशासन से भी कल बात हुई थी, वो भी इंजेक्शन के लिए ऊपर बात कर रहे हैं, कंपनी में स्टॉक नहीं है और आने वाले समय में इसकी पूर्ति करने के लिए स्टॉक आएगा, बट अभी फ़िलहाल कंपनी में प्रोडक्शन स्लो चल रहा है। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए हैं, वहाँ भी स्टॉक देना है, मध्य प्रदेश में भी देना है, कई स्टेट्स में देना है उनको, बट स्टॉक नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही स्टॉक आएगा हम लोग हाथ जोड़ के सबको देंगे। हाँ जी, पूरे एमपी के डीलर आप ही? हम लोग नहीं है पूरे एमपी के डीलर, हम सिर्फ इंदौर में देने के लिए बोला गया है हमको, और इंदौर में हम लोगों को दिया भी है, बट अभी स्टॉक शॉर्ट होने की वजह से हम इसको दे नहीं पा रहे। जी जी, पहले ये हॉस्पिटल में स्टॉक आ रहा था, लास्ट ईयर भी ये कोरोना वायरस जब हुआ था तब ये हॉस्पिटल में स्टॉक आया था और हॉस्पिटल से सारा स्टॉक जनरेट हो रहा था। अभी यहाँ पे स्टॉक की हॉस्पिटल में भी स्टॉक नहीं है और स्टॉकिस के पास भी स्टॉक नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है। सर स्टॉकिस कौन है इंदौर जिले का? इंदौर में कोई ऐसा स्टॉकिस नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, स्टॉक आता है तो दिया जाता है। और भी डीलर है क्या इंदौर में? डीलर में और कोई इंदौर में डीलर 2-4 डीलर हैं, पीपी एंटरप्राइजेस भी हैं यहाँ पे, शांति मेडिकल है चोइतराम, उनको भी पास भी स्टॉक था लास्ट ईयर, उन्होंने भी पूरी पूर्ति करी, अभी कंपनी में स्टॉक नहीं तो वो भी कहाँ से देंगे? आपका नाम बताएं। अनुराग शर्मा।
ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।